हिंदी समाचार में फिलहाल इतना ही। खबरों का सिलसिला यूं ही चलता रहेगा, आप देखते रहिए एनबीसी न्यूज। नमस्कार। बदले के बाद मौसम साफ होते ही एक बार फिर ठंडी हवाओं ने ऑरेंज सिटी पर कब्जा कर लिया है। पिछले कुछ दिनों से आसमान साफ रहा और ठंड भी कम रही, यहां तक कि पिछले दो दिन में न्यूनतम तापमान में गिरावट दर्ज की गई। शुक्रवार से फिर एक बार सिटी में ठंड बढ़ गई है। सुबह से ही ठंडी हवाएं चलने लगी है। भले ही आसमान साफ रहा लेकिन ठंडी हवाएं दिन भर कायम रही, यहां तक कि शाम होते ही ठिठुरन और बढ़ने लग गई है। मौसम विभाग ने शनिवार को सिटी के एक दो स्थानों पर हल्की वर्षा होने की संभावना व्यक्त की है। अगले कुछ दिनों तक इसी तरह का मौसम बने रहने की संभावना है। वहीं कुछ जगह पर बूंदाबांदी हो सकती है। दरअसल उत्तर भारत में एक बार फिर से कड़ाके की ठंड का असर विदर्भ में भी देखने को मिल रहा है। तीन दिन पहले न्यूनतम तापमान में बढ़ोतरी दर्ज की गई थी। आसमान पर बादल की वजह से दिन में उमस भी महसूस होने लगी थी। शुक्रवार को दिन भर ठंडी हवाओं के साथ ही रात को भी ठंड की सक्रियता बनी रही। जनवरी का महीना खत्म हो रहा है लेकिन इस बार ठंड का असर कम नहीं हो रहा है। इस बीच शुक्रवार को अधिकतम तापमान 26.5 डिग्री सेल्सियस और न्यूनतम तापमान 12.2 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया। अधिकतम और न्यूनतम तापमान करीब 2 डिग्री सेल्सियस अधिक दर्ज किया गया। कैमरा पर्सन राजकुमार मोहर के साथ अभिषेक पांसी की रिपोर्ट।